दोस्तों आज की कहानी है भाभी आप भैया से तलाक मत लो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रविवार की सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। प्रतीक ने फोन उठाया। क्या क्या बोल रहे हो प्रखर, तुम हाउस में तो हो? हम लोग आज ही दिल्ली आ रहे हैं, बैठकर शांति से बात करेंगे। प्रतीक की पत्नी नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। परकर का फोन था, बोल रहा था उसने और सैली ने तलाक लेने का फैसला किया है। दिमाग ठीक तो है दोनों का, ऐसा क्या हो गया? अभी 6 महीने पहले ही तो शादी हुई है। नेहा चिंतित होकर बोली, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा, नेहा तैयारी करो। नेहा और प्रतीक कानपुर में रहते हैं। प्रतीक कानपुर में ही नौकरी करता है। नेहा का मायका भी कानपुर में ही है। 10 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद प्रतीक की माँ सल बसी। पिताजी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। नेहा के प्रतीक के छोटे भाई परकर को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। परकर भी प्रतीक और नेहा को अपने माता पिता के बराबर मान देता है। 6 महीने पहले ही परकर की शादी उसी के साथ काम करने वाली उसकी पसंद की लड़की सैली से हुई। दोनों बहुत खुश थे। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि रविवार की सुबह सुबह फोन की घंटी बजी। प्रतीक ने फोन उठाया, क्या क्या बोल रहे हो प्रखर, तुम हाउस में तो हो? हम लोग आज ही दिल्ली आ रहे हैं, बैठकर शांति से बात करेंगे। प्रतीक की पत्नी नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। परकर का फोन था, बोल रहा था उसने और सैली ने तलाक लेने का फैसला किया है। दिमाग ठीक तो है दोनों का, ऐसा क्या हो गया? अभी 6 महीने पहले ही तो शादी हुई है। नेहा चिंतित होकर बोली, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना होगा, नेहा तैयारी करो। नेहा और प्रतीक कानपुर में रहते हैं। प्रतीक कानपुर में ही नौकरी करता है। नेहा का मायका भी कानपुर में ही है। 10 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद प्रतीक की माँ सल बची। पिताजी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। नेहा ने प्रतीक के छोटे भाई परखर को अपने बेटे की तरह प्यार दिया। परकर भी प्रतीक और नेहा को अपने माता पिता के बराबर मान देता है। 6 महीने पहले ही परकर की शादी उसी के साथ काम करने वाली उसकी पसंद की लड़की सैली से हुई। दोनों बहुत खुश थे। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि
बात तलाक तक पहुंच गई। नेहा ने अपने 8 साल के बेटे शुभ को अपनी माँ के घर छोड़ा और तुरंत तैयारी करके दिल्ली के लिए निकल पड़े। जब वे दोनों परकर के घर पहुंचे तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। शैली ने बात शुरू की, भैया भाभी ये फैसला हम दोनों ने सोच समझ कर लिया है। प्रखर की शादी के बाद बहुत बदल गया है, उसे घर के कामों से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं भी तो जॉब करती हूँ पर घर देखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। प्रखर बोला, मैं हमारे भविष्य के लिए ही तो ऑफिस में ज्यादा काम करने लगा हूँ। सुबह 9 बजे निकलता हूँ, रात में 9 बजे वापस आता हूँ, तो कब उसकी मदद करूँ? बस एक छुट्टी का दिन मिलता है, रविवार का। उस दिन यदि थोड़ा सा आराम कर लिया तो क्या दिक्कत है? शैली आँखों में आंसू भरते हुए बोली, मुझे भी तो एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, लेकिन घर के काम है, जो जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी करनी ही होगी ना। जो तुम मुझसे कहती हो मैं कर तो देता हूँ, और क्या सहती हो? तुम्हें अलग होने का बहाना चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। परकर थोड़ी नाराजगी के भाव में बोला, हम तो ये बात है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा परकर ये बताओ तुम रविवार की सुबह क्या करते हो? प्रखर ने कहा, बस सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ, तब तक शैली चाय बना देती है, हम लोग चाय पीते हैं, फिर ये कुछ स्पेशल नाश्ता बना देती है। नाश्ते के बाद कभी कभी मुझे बोलती है कि मशीन में कपड़े लगा दो, तो वह लगा देता हूँ। बाकी कांता बाई आकर सब काम कर देती हैं, लंच कभी कभी बाहर कर लेते हैं, और फिर मैं सो जाता हूँ। मैं तो इसको भी बोलता हूँ कि ये भी आराम करे, अब ये नहीं करती तो इसमें मैं क्या करूँ? नेहा हंसते हुए बोली, तुम कुछ मत करो, बस उससे पूछ लिया करो कि मैं तुम्हारी नाश्ता बनाने में कोई मदद कर दूं, खाना बनाने में कोई मदद कर दूं, या फिर उसके साथ ही किचन में थोड़ी देर बैठ लिया करो, वही न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, उससे बातें भी कर लिया करो, क्योंकि किसी भी चीज के लिए समय कभी भी निकाला जा सकता है। पर खूबसूरत रिश्तों को पनपने के लिए अपना समय देना बहुत जरूरी है। देखो प्रखर, मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है, इसलिए एक भाभी नहीं माँ होने के नाते कहूँगी। एक औरत के दिल का रास्ता सिर्फ 2 मीठे बोल से खुल जाता है, उसे सहानुभूति नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। प्यार के 2 बोल और तुम्हारी थोड़ी सी परवाह चाहिए, और फिर वह सारी दुनिया जीत लेती है।
ये सुनकर सैली रोने लगी। सास में भाभी बस मैं यही सहती हूँ कि परकर कभी मुझसे खुद पूछे कि आज छुट्टी है तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। कहकर काम तो नौकरों से भी कराया जा सकता है पर जीवन साथी तो वही है ना जो मेरी भावनाओं को समझे। भविष्य में लड़ते रहने से तो मुझे यही एक समाधान सही लगा कि अभी ही अलग हो जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से जियो, सैली ने रोते हुए कहा। सैली को सुप कराते हुए नेहा बोली, अलग होना कोई समाधान नहीं है, पहले समस्या सुलझाने की कोशिश तो करो, न सुलझे तब सोचना। वैसे छोटी सी गलती तुम्हारी भी है, तुम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करो। पति कोई अंतयामी नहीं है कि उन्हें अपने आप पता चल जाए कि तुम उनसे क्या चाहती हो। तुम यदि कूदती रहोगी और कुछ नहीं बताओगी तो उससे उसे कोई समाधान नहीं निकलेगा। जब तुम इन्हीं बातों को सोचते सोचते परेशान हो जाती हो तो फिर सिड़सिड़ाने लगती हो और फिर परखर को भी लगता है कि पता नहीं क्यों हमेशा मुंह फुलाए रहती है। शादी का बंधन मीडिया नहीं है, ये आपसे सामंजस्य और त्याग संपन्न से बना रिश्ता है जो आपसे प्रेम और विश्वास से लगातार मजबूत होता जाता है। आशा है तुम दोनों इस बात को समझोगे और अपनी तरफ से ईमानदारी भरी कोशिश करोगे। जी भाभी, परकर और सैली ने एक स्वर में कहा। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, मैं भी उसे बहुत समय नहीं दे पाता लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसकी बात को सुनूं और उससे उसका हाल साल पूछूं। वो मेरे लिए ही अपना घर छोड़कर आई है तो इतना फर्ज तो मेरा भी बनता है ना। चलो अब चलकर खाना खा ले, कल सुबह हम भी कानपुर के लिए निकलेंगे। प्रतीक ने कहा, शुक्रिया भैया भाभी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। परखर ने मुस्कुराकर कहा और दोनों के पैर छुए। दोस्तों, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं जिनमें संतुलन होना बहुत जरूरी है। एक लड़की जब शादी करके दूसरे घर आती है तो बस इतना ही चाहती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझे और उसके प्रति संवेदनशील रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।